शिमला के रिज पर 72वां गणतंत्र दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए और उन्होंने तिरंगा फहराया और परेड की सलामी ली। कोरोना को ध्यान में रखते हुए इस बार परेड का सूक्ष्म रूप देखने को मिला। इस बार 26 जनवरी का कार्यक्रम में कोरोना के नियमों का पालन करते हुए मनाया गया। कार्यक्रम में इस बार विभिन्न विभागों की तरफ से 50 वर्षों में किए गए विकास कार्यों की झलक भी पेश की गई। आज गणतंत्र दिवस सारे देश में मनाया जा रहा है। इस पर मैं सारे देशवासियों को और अपने हिमाचल प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं देता हूं और इस पावन पर्व पर हमारे सभी हिमाचल प्रदेश के लोग हमारी जो संविधान है वो संविधान के लिए हमारे को जो हक मिला है और वैसे ही हमारे साथ ही साथ हमको कर्तव्य भी निभाना है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश की सरकार ने जो योजनाएं बनाकर किसानों को, गरीबों को, मजदूरों को, महिलाओं को, सभी लोगों को स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, कृषि के लिए काफ़ी योगदान कर रहे हैं, तो इसमें मैं जनता को भागीदारी होने के लिए भागीदारी होकर हिमाचल प्रदेश को देश में और अच्छे तरक्की में लाने के लिए और हमारे प्रदेश के लोग सभी लोग इसमें भाग लेना चाहिए, ऐसा मैं उनसे प्रार्थना करता हूं और मैं शुभकामना भी देता हूं। गणतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी प्रदेशवासियों को, देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। संविधान के अनुसार हमको बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं और उन अधिकारों का उपयोग करके भारत बहुत मजबूती के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब की बार का ये गणतंत्र दिवस जब हम मना रहे हैं, जो एक बहुत बड़ा संकट दुनिया और देश को झकझोर करके गया वो समापन की ओर है। कोरोना के कारण पिछले एक साल से सारी गतिविधियां प्रभावित हुई और अब इस बार हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि अब इस दौर में जब रिपब्लिक डे आज हम मना रहे हैं देश भर में, प्रदेश में कोरोना का संकट जो है वो समाप्त होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में देश के साइंटिस्ट ने जो वैक्सीन बना करके उपलब्ध करवाई है उसके लिए भी मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और साथ में जो हमारे देश के जो साइंटिस्ट हैं उनको भी बधाई देता हूँ। भारत आगे तरक्की के लिए बढ़े मजबूत नेतृत्व के साथ, ऐसी मैं कामना करता हूँ। हिमाचल प्रदेश में हम इस बार विशेष तौर से इस बार रिपब्लिक डे के साथ साथ में एक दिन पहले 25 तारीख को, 25 जनवरी को जो हमारा स्टेटहुड का 50वां साल पूर्ण हुआ है, हमारे लिए अब की बार का ये वर्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है, अलग तरह से है और बहुत उम्मीद के साथ हम कह सकते हैं कि जो काम प्रभावित हुए पिछले एक साल में कोविड के कारण, हम तेज गति के साथ इस वर्ष जो है उनको पूरा करने के लिए आगे बढ़ेंगे और आज के इस अवसर पर फिर से मैं एक बार सभी प्रदेशवासियों को गणतंत्रता दिवस के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। किसानों के बारे में बात की गई है, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ, जो भी किसान के लिए जो बिल लाया गया है उस बिल के अनुसार ऐसा कोई भी कारण नहीं बनता जिसमें किसानों का नुकसान हो रहा है, अहित हो रहा है और उस बिल के माध्यम से किसानों को भला, किसानों का भला करने का प्रयत्न है, प्रयास है और मैं समझता हूं कि आने वाले समय में बहुत बड़ी उम्मीद के साथ ये दौर, ये संकट भी मुझे लगता है समाप्त होगा। निश्चित रूप से मौलिक कर्तव्य जो भारतीय संविधान के अनुसार जो है पूरे देश के हर नागरिक को प्राप्त है और हिमाचल उस दृष्टि से बहुत जागरूक है और जागरूक होकर के जो है वो काम करता है और सभी लोग जो मौलिक अधिकारों के प्राप्त होने के बाद जो है आगे बढ़ करके काम करें, मौलिक अधिकारों का जो है वो उपयोग करें, यही मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।